अनपढ़ आदमी ने, कैटेगरी नहीं नाम लेना चाहूंगा, एक अनपढ़ आदमी ने अपने ठेले पे, अपनी शॉप पे फास्ट फूड रख करके, लिख करके, ठीक है, बर्गर रख दिए, चाउमीन रख दी, नूडल्स रख दिए, और आपने पढ़े लिखे होने के बावजूद मान लिया कि ये फास्ट फूड है। डॉक्टर साहब, फास्ट फूड जैसे अगर घर में खाना बनानी है तो हम जल्दी से ऑर्डर कर देंगे और फास्ट फूड आ जाता है, जल्दी आ जाता है। क्या होता है, पिज्जा मंगवा लिया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गई, नूडल्स हो गई, अमेरिकन चॉप्सी हो गई, मैं बहुत सारे नाम मैंने सुन रखे हैं। ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं आप जिन्हें फास्ट फूड कह रहे हैं, ये अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं, मैंने एजुकेटेड लोगों से भी बात करी, वो भी इसे फास्ट फूड बोलते हैं। हाँ जी, ये जंक फूड है। हाँ सर, जंक फूड है। फास्ट फूड क्या होते हैं? आप अपने काम से दोपहर में वापस आए, लंच का टाइम था, माँ ने खाना नहीं बनाया, माँ ये अपना काम कर रही है, आपने कहा माँ खाना चाहिए, भूख लगी है, तो माँ ने क्या कहा, बेटा डाइनिंग टेबल पे सेब रखे हैं, एक सेब खा ले, हाँ जी, दो केले खा ले, फ्रिज में से दूध निकाल ले, पी ले, हाँ जी, ये होता है फास्ट फूड। क्या जो नेचुरल तरीके से रेडीमेड है, जैसे ये भाग दौड़ जो चल रही है ना, जो रेस चल रही है, हाँ, बस ये रेस का हिस्सा, इसी रेस में आपको डिजीज हो जाती है, जिसे आप बीमारियां बोलते हैं वो हो जाती है। हमारी रसोई में हर चीज आयुर्वेद से रिलेटेड रखी है, उससे आपके शरीर की हर समस्या को हल किया जा सकता है। अच्छा। बशर्ते आपको उसके बारे में मालूम हो, आपको उसकी जानकारी हो, कब खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है कि नहीं खाना है। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो आप डिजीज स्पेसिफिक नहीं होंगे। तो अगर आप पाइल्स जैसी किसी भी प्रॉब्लम से अगर ग्रसित हैं तो शर्माइए नहीं, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को बताइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ताकि आप समय पर अपना इलाज करवा सके और इस डिसऑर्डर से मुक्त हो सके। इसकी वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है बवासीर, भगंदर, फिसर, इन बीमारियों का पक्का इलाज आपको मिलने वाला है स्वामी दयानंद अस्पताल। काफ़ी खोजबीन के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पर इस बीमारी का कंप्लीट सलूशन आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, बवासीर, भगंदर, फिसर, कंप्लीट आपको सलूशन यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरह से आपको पूरा ये हॉस्पिटल मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी पेशेंट्स की भीड़ भी दिखाई देगी। आपको यहाँ पर आना है डॉक्टर साहब के पास, जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और बताएंगे कि इस बीमारी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। टाइम लग गया है, हमने डॉक्टर साहब से आपके लिए टाइम निकाला है थोड़ा सा, ताकि आपके लिए हम इनसे बात कर सकें। तो आपको मैं मिलवाना चाहूँगा यहाँ पर डॉक्टर साहब से। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब उमेश जी। नमस्कार। तो सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। और सर, आप सुनाइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बार व्यूअर्स को नाम बताइए। अमित जी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब उमेश जी मिलते हैं और अमित जी मिलते हैं, जिनसे हम पूरी बातें करेंगे इस बीमारी के बारे में कि आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने काफ़ी सर्च किया है, काफ़ी ढूंढा है और काफ़ी लोगों से पता किया है, उसके बाद मुझे पता चला है कि ये जो कॉमन बीमारी होगी है हम सभी लोगों के अंदर, एक जिसे हम कहते हैं बवासीर, भगंदर, फिसर, इस तरह की कई बीमारियां हैं जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं और रोज इन बीमारियों से जूझते हैं। तो काफी साल पुराना आपका क्लिनिक है, पूरा हॉस्पिटल है, तो आज मैं आपके पास आया हूँ, काफी नाम सुना है आपका, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स तो हर चीज के होते हैं, लेकिन कई चीज ऐसे दिखाई जा रही है आजकल सोशल मीडिया पे के, मतलब 100% कोई भी चीज बताई दी जा रही है कि भाई इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, लेकिन ये हमारा जो सेंटर है एनोरेक्टल डिजीज, मतलब गुदा रोग के विशेषज्ञ में, नॉर्थ इंडिया का, साफ सुथरा का और पाइल्स का सबसे पहला सेंटर है, जहाँ पर बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोनल साइनस, थ्रोम्बोस्पाइस और इंटरनल पाइस, ठीक है जी, एक्सटर्नल पाइस, इसका इलाज गारंटी के साथ किया जाता है। तो सर, मैंने सुना है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का एक डाउट होता है या कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर क्या हम इस बीमारी से वाकई में निजात पा सकते हैं। हाँ, पा सकते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ प्राइमरी तौर पे, ये पाइल्स कोई रोग नहीं होता है। अच्छा, एक डिसऑर्डर होता है बॉडी में, ठीक है जी। डिसऑर्डर मीन्स मतलब एक ये लगा लीजिए कि किसी की वजह से, हाँ, ये रोग होता है, ठीक है। मेनली हमारा जो है खान पान, दूसरा हमारा पेट, जैसे आजकल जो है बाहर का जंक फूड वगैरह, हाँ हाँ, और टाइमिंग्स नहीं रहे खाने के, ठीक है जी। ज्यादातर लोग फील्ड में रहते हैं, वर्किंग का लोड हो गया, एंग्जाइटी हो गई, टेंशन होगी, बिजनेस,
तो मेन कारण इसमें यही है कि एक डिसऑर्डर है। हाँ जी। वो किस वजह से है? ठीक है, वो खान पान से भी है। अच्छा जी। वो एंजाइटी से, मतलब टेंशन से भी है। ठीक है जी। टाइम से ना खाने से भी है। हाँ जी। किसी की ड्यूटी लंबी है, जैसे ट्रेडिशनल जो वर्किंग होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी आजकल दोस्तों लाइफ है ना, लाइफ स्टाइल, वो हमारा थोड़ा बिगड़ गया। हाँ, लाइफ स्टाइल हम बिल्कुल बिगड़ चुका है। और खाने पीने में प्योरिटी भी आजकल आप कह ही नहीं सकते कि नहीं रही है। हाँ, आजकल जो देसी चीजें तो रही नहीं है। हाँ जी। और ये यूरिया और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। और आप देख रहे हो कि कितनी बीमारियां, कैंसर तक की बीमारियां इसी की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा फैलती है। तो सर आप ये बताइए, इसका सलूशन हमें आपके पास मिलेगा, क्योंकि आपने काफी लोगों को पूरा कंप्लीट इलाज करके दिया है। और आज मैंने देखा आपके पास क्लिनिक में काफी लोग भी आए हुए थे। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर इंटरव्यू लेने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब हम दोपहर को जब यहाँ पर सारे पेशेंट चले जाते हैं, तो उस टाइम पर हमने डॉक्टर साहब से खाली टाइम लिया है आपसे बात कराने के लिए। सर ये बताइए, मैं काफी टाइम से आपके पास बाहर खड़ा हुआ था, मैं लोगों की भीड़ देख रहा था कि किस टाइम डॉक्टर साहब खाली होंगे और कब हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए सर, आप इसका इलाज किस तरह से करते हैं? पाइल्स जो है कई प्रकार की होती है। ठीक है जी। जिसको नॉर्मल पाइल्स बोलते हैं। हाँ जी। जिसमें मस्से बन जाते हैं। ठीक है। इसकी भी 3 से 4 स्टेज होती है। ठीक है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज में पेशेंट को फील नहीं होता है, कभी ब्लड आ गया, वो कहीं से दवाई खा ली, ब्लीडिंग बंद हो गया। ठीक है जी। फिर वो खान पान उनका वैसा ही चलता रहता है, सोचा मैं ठीक हो गया, लेकिन पाइल्स ठीक नहीं होती है। अच्छा जी। पाइल्स क्या है कि नीचे जो हमारा जो गुदा मार्ग है, एनल कैनाल होती है, ठीक है, उसके अंदर 3 आर्टरी होती है, 2 आर्टरी आती है ऊपर से, 3 ब्रांच बनाती है वो अपनी। ठीक है जी। एक जैसे घड़ी में 11 बजते हैं, 1 7 बजते हैं, 1 3 बजते हैं, तो 2 वो 3 ब्रांचें बनाती है अपनी, जो मेन जो आर्टरी आती है। हाँ जी। उसके अंदर फिर जो है, और ये होता क्यों है? हाँ जी। खान पान से। ठीक है। कब्ज से। ठीक है। जंक फूड से। ठीक है। ज्यादा मसालों से, या कोई ज्यादा नॉन वेज स्पाइसी। हाँ। या कोई ज्यादा ड्रिंक, या फिर मतलब अपनी नेचुरल हैबिट जो बिगाड़। हाँ। इसको बताने से लोग शर्माते हैं, ये घबराते हैं। हाँ, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बताइए कि उन्हें कितना नुकसान देती है बीमारी ना बताने पे। ठीक बात है। मैं कुछ चीजें ना आपको शुरुआत से पकड़ता हूँ। हाँ जी। कहा ये बीमारी है। ठीक है जी। मैं इसे बीमारी नहीं मानता। अच्छा जी। और मेरा मानना है कि इस दुनिया में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। क्या बात है, नहीं कितनी अच्छी पॉजिटिव बात कही है आपने। एक शब्द सुना है डिजीज। हाँ जी। हाँ जी। क्या होता है सर? देखिए फुल इसे आप बीमारी बोलते हैं, लेकिन ये एक डिसईज। अच्छा जी। अनकंफर्टेबल फील करना। अच्छा जी। आप लीवर से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है। आईज से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है। आप हार्ट से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये डिसईज हो गया। ठीक है। यानी हमें इससे पता चल गया है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़। हाँ, जो नेचुरल से अलग है। बिल्कुल। ठीक है। जो गड़बड़ होती है, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा जी। यानी जहाँ हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ जाता है, या हम टाइम से खाना, टाइम से सोना, ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। आपने बहुत अच्छा बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया, टाइम। हाँ जी। समय। आपने सुना होगा समय बलवान है। हाँ जी। और समय की बहुत कीमत है सर, वो तो है ही। जैसे हाँ, अगर आप यहाँ समय पे नहीं आते तो शायद आप ये इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। आप समय पे ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपकी जॉब जाने के चांसेस। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा। तो समय हर जगह, और कहते हैं कि समय हर चीज को ठीक करता है। हाँ जी। लेकिन हमने कभी इन चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करी। हाँ जी। हमने अपनी लाइफ में समय की कभी अहमियत समझी नहीं कि हमें किस समय खाना चाहिए, किस समय से किस समय तक खाना चाहिए। हाँ जी। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं हमें पता ही नहीं है। ठीक है जी। यानी हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर इतने बिजी हो गए कि हम अपने शरीर पर, अपने खान पान पर ध्यान नहीं कर पाए। एक चीज बताइए। हाँ जी। आपके और मेरे अलावा। हाँ जी। सूरज ढलने के बाद कौन खाता है? ये तो बहुत अलग ही सवाल हो गया। बिल्कुल। जानवर मेरे अलावा सूरज ढलने के बाद कौन खाता है? कोई नहीं खाता। अच्छा जी। कोई पक्षी, कोई प्रकृति की कोई चीज नहीं खाते इंसान को छोड़ के। जांच होती है। हाँ जी। प्रोक्टोस्कोपी होती है। ठीक है जी। और वो हमारे यहाँ पर जैसे पेशेंट आता है। हाँ जी। एग्जामिनेशन, जैसे कि हमारी फीस जो है 300 रुपए होती है चेक करने के लिए। ठीक है जी। बकायदा इस हॉस्पिटल का एक बड़ा रूल है, आज से नहीं, पिछले 30-40 सालों से। हाँ जी। सिर्फ हमारे यहाँ पर एक बार ही कंसल्ट लेने से ली जाती है। ठीक है। दोबारा पेशेंट से कोई भी चार्ज नहीं होता। आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर वो दिखाने आ रहे हैं, फॉलो अप में कभी भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा जी। ये हाँ, ये हमारे सेंटर की विशेषता है। सबसे पहले क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप पाइल्स के बारे में बता रहे थे कि जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए एक प्रोक्टोस्कोप होता है,
उसको मतलब जो एनल कैनाल में डालकर अंदाजा लगा लिया जाता है कि कितना है। और जो तीसरी जो स्टेज होती है उसके अंदर तो नॉर्मली वो बाहर आ जाते हैं, हल्का सा स्टेन किया मतलब जोर लगाया मसल खोल के बाहर आ गए। पर चौथी स्टेज में वो बिल्कुल बाहर ही रह जाते हैं, वो उंगली से भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में फर्स्ट एंड सेकेंड में स्कैलरोथेरेपी जिसको हम इंजेक्शन थेरेपी कहते हैं बिल्कुल सेफ है फर्स्ट एंड सेकेंड में। ठीक है, मैं थर्ड फोर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड में इंजेक्शन बिल्कुल कारगर है, लाइफ टाइम की वारंटी देते हैं। ठीक है जी। अगर प्रॉब्लम यह दोबारा आ जाए 1% मान लेते हैं तो वो हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। क्या बात है। या वो अपना पर्चा भी चाहिए उसका 10 साल 12 साल गुम भी हो जाता है, पर्चा कहाँ रखेगा आदमी, ध्यान नहीं रहता। इससे रिलेटेड कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज आप करते हैं? हम बता रहा हूँ सर मैं आपको। तो तीसरी और चौथी स्टेज के अंदर ठीक है एक हमारे पास चार सूत्र जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है। हाँ जी। बकायदा उसके कंसेप्ट चले थे ऑल इंडिया में 5-5 साल के, और WHO ने रिकॉग्नाइज किया है उसको। और एलीपैथी ऐसी है आयुर्वेदिक में जिसने मतलब आप ये लगा लो यूनानी आयुर्वेदिक या फिर अपनी होम्योपैथिक और एलोपैथिक, ठीक है इसमें किसी चीज को भी इतना रिजल्ट WHO ऐसे ही नहीं देती है। हाँ जी। 98.7 इसका रिजल्ट दिया है। ठीक है। फिस्टूला और तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज के पाइल्स में। ठीक है जी। ठीक है। और एक माइनर सा प्रोसीजर होता है। हाँ जी। पेशेंट को हम आधे घंटे बाद छुट्टी दे देते हैं। ठीक है। और फॉलोअप के लिए गया दोबारा आना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन और किया था और क्या क्या होता है। हाँ। गुदा में जलन। हाँ जी। खुजली। ठीक है। दर्द रहना, खून आना। ठीक है। हाँ जी। ये सब पाइल्स के लक्षण है सर। ये मैंने देखा है कि ये बीमारी एक 5-6 साल के बच्चे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक को हो जाती है। हाँ होती है। तो क्या मतलब इसकी अवेयरनेस नहीं है अभी सोसाइटी में, या लोग वो बताते में शर्माते हैं, या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन उन सभी का इलाज आप कर देते हैं? हाँ बिल्कुल किया है मैंने। क्या नाम है, 5-5 साल के बच्चे को एक जुवेनाइल पॉलिप बोलते हैं हम। अच्छा जी। जुवेनाइल पॉलिप होता है लेकिन अब छोटे से बच्चे को हो गया, मान लो 5-7 साल के बच्चे को अगर उनको ये बोल दे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो माँ बाप वैसे ही भरा जाएगा इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने काफी उसमें एक पॉलिप होता है, ब्लीड करता है, काफी पेशेंट किए मैंने छोटे बच्चे। हाँ जी। तो वो सिर्फ 2-3 सेकंड का काम होता है, बिल्कुल पेनलेस होता है, कोई बच्चे को दवाई नहीं दी जाती। और जो उसको ब्लड आ रहा है और जो अंदर से वो आर्टरी से फूल के जो एक जो पाइल मास टाइप या हाँ जी, मैंने आपको बताया था अभी पॉलिप, हाँ जी, वो बाहर आता है उसको हम टाई कर देते हैं 3-7 दिन में वो खत्म हो जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है, कोई पेन नहीं होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा फिशर। हाँ जी। फिशर के अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो हमारी एनल वर्ज है ना, हाँ जो लैट्रिन का हमारा बाहर का हिस्सा है। ठीक है। अब जो खान पान की बातें सारी चल पड़ी हैं, हाँ क्यों होता है, मोस्टली ये बीमारी 90% लोगों को है। अच्छा। वो सिर्फ खान पान, रहन सहन और उनकी जीवन शैली। ठीक है। अब फिशर के बारे में, फिशर में लैट्रिन के रास्ते पे मतलब मेनली हमने देखा है 6 और 12 जहाँ घड़ी में 6 बजते हैं। ठीक है। और 12 बजते हैं वहाँ पर एक बड़ा कट लग जाता है। अच्छा जी। वो कट इतना गहरा हो जाता है जो वो एपिथेली लेयर तक चला जाता है। तो बस वो ये समझ लीजिए उस पेशेंट की हालत ख़राब हो गई है। वो सोच मतलब पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो ये बोलते हैं जी हमने तो इसलिए इतना मतलब एक वो हो गया है मन में डर कि मैं खाना खाऊंगा तो टॉयलेट आएगा और मुझे पेन होगा। हाँ, और ये तकरीबन कंप्लेंट है। हाँ, इस वजह से वो खा भी नहीं पाते। वो मेन एक फिशर एक कट होता है। हाँ जी, हाँ जी। और विद इन मतलब मैं ये कहता हूँ एक चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ आपको। ठीक है जी। मेरे पास पेशेंट आए फिशर का दर्द लेके आए और दर्द की गोली खा के ना आए। अच्छा। 7 से 8 में वो पेशेंट पे ये कहेगा कि 0% पे आ गया बिना लोकल एनेस्थीसिया के, सुन करके भी नहीं, वही इंजेक्शन देंगे 8 मिनट बाद लगेगा कि पेशेंट का दर्द बिल्कुल ओके हो गया। क्या बात है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहेंगे, खुल करके लोगों को बतानी चाहिए बीमारी? हाँ बिल्कुल बतानी चाहिए। ये तो जब 5 साल से लेके मैं बता रहा हूँ 90 साल तक की हो रही है। ठीक है। बीमारी और आजकल मॉडर्न जमाना है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बीमारी छुपानी चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपको शुरुआत भी हो रही है ना इस तरह की बीमारी का, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बवासीर है, पाइल्स है, इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी है, गुदा द्वार से रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी है, तो आपको छुपाना नहीं है, अपने घर वालों को बताना है, अपने बड़ों को बताना है, उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि ये बीमारी आपकी शुरू होते ही समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए। सिराज जी। हाँ जी। देखिए मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बात बताना चाह रहा हूँ टू बी मोर फ्रेंकली। ठीक है। इस बीमारी को लेके लोग
बहुत कुछ गलत सोचते हैं, परिवार वाले को सोचते हैं, दोस्त भी मजाक उड़ा लेते हैं, कई बार हमारे पास कॉल आता है, हंसते हैं लोग इस बात को सुन के, लेकिन ये बहुत गलत है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज है और निदान है, सब कुछ है और ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, जो लोग गलत रूप से सोच रहे हैं वो ऐसा इस बीमारी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए तो पेशेंट कई बार फीमेल पेशेंट हैं, अब वो सोचते हैं कि भी डॉक्टर देखेगा, हमारे पास फीमेल स्टाफ होता है, अच्छा, या उनके को परिवार का कोई भी सदस्य हो, माता या उनके हाँ हस्बैंड, उनके साथ मतलब हम उनको ओटी में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोसीजर हाँ मतलब 10-15 मिनट तक वो वहीं रहे, क्योंकि देखिए डॉक्टर का और रोगी का हाँ जी एक रिश्ता होता है। हाँ जी, हाँ जैसे आप और मैं हम उम्र हैं, आप मेरे भाई हो गए, हाँ जी, हाँ जी। और आप जैसे हमारी उम्र की कोई मतलब लेडीज है, ठीक है जी, बहन बराबर होगी, हाँ जी, छोटी है बेटी बराबर हो गई, ठीक है, हमसे बड़ी है माता बराबर हो गई, बुजुर्ग है पिताजी बराबर हो गए, ठीक है, तो ये रिश्ता ऐसा होता है। और दोस्तों जैसे कि आपको बताया डॉक्टर साहब ने आपसे एक बात कही है, आप खुद पेशेंट के साथ रह सकते हैं पूरे टाइम तक, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो भी काम किया जाता है आपकी तसल्ली द्वारा किया जाएगा, जब आपको पूरी तसल्ली होगी तभी यहाँ पर काम सारा स्टार्ट किया जाएगा। ये कुछ एक बॉक्स रखा हुआ है आपके पास, ये हाँ, ये अर्शोनेस जो है प्रोडक्ट है, हमारी अर्शोनेस पेंस किट है। अच्छा जी, और ये काफी रिसर्च के बाद इस हॉस्पिटल से ही ये फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, ऐसे लोग जो बेड रिडन होते हैं, हाँ जी हाँ जी, जो लोग चल के नहीं आ सकते, दूर से नहीं आ सकते, बुजुर्ग हैं नहीं आ सकते, लेकिन प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा, कुछ लोगों को जैसे बेड सोर हो गया, असाध्य रोगों में भी असाध्य रोग हो गए, जैसे जिसका कोई इलाज ही नहीं, इलाज ही नहीं, डॉक्टर उनको रिकमेंड कर देते हैं आपको बेड रेस्ट ही लेना है, पैरालाइज्ड हो गया, शख्स लेटे रहेंगे तो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है, उसकी वजह से उनको कब्ज बनती है और कब्ज की वजह से ये प्रॉब्लम बन सकती है। हाँ ठीक है जी, तो यार दूर दराज के पेशेंट हो गए हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो सीओडी पे हम इसको कर देते हैं। क्या बात है, तुम्हारी अर्शोनेस पेंस की बकायदा उनको समझाया जाता है, इसमें ऑयल पेट साफ के लिए और पिल्स टेबलेट हैं जो ऐसे रोगों के लिए है, मतलब ऐसे रोगियों के लिए है जो बिल्कुल बेड रिडन है, जिनकी शुगर हाई लेवल बहुत ज्यादा है, आ नहीं सकते हैं। हाँ, और दोस्तों ये जो किट आपको दिखाई दे रही है ये पूरे इंडिया के अंदर आप कहीं भी मंगा सकते हैं घर बैठे, वो भी सीओडी में, जब यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया यानी लंच का टाइम हो गया है और यहाँ पर हम डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आइए, देखिए और समझिए इन चीज़ों को। अगर आपको ये प्रॉब्लम है 1% भी, तो आप बिल्कुल शर्माए नहीं, बेझिझक होकर के आप डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं और अपना इलाज यहाँ से करा सकते हैं।